हेलो मायंतु कटलेट, कैसे हैं आप सब? आइए आज मैं आपको बताती हूँ ब्रेड से पूरी की रेसिपी, जो मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। हम एक कुकर में आलू उबाल लेते हैं, लगभग 6 से 7। उसमें आप 3 बड़े साइज़ के ब्रेड्स के लिए ये मसाला तैयार करेंगे। आलू उबालने के बाद उसे आप गरम गरम ही छील लीजिए। माना थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि हाथ जलेंगे आपके, मगर जितना आप गरम में आलू छीलेंगे उतना छिलका भी अच्छे से निकलेगा, और जब आप मैश करेंगे तो उसमें लेस कम रहेगी। ये एक सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो आपके सारे आलू आप 1 बाय 1 थोड़ा हिम्मत करके आप छील लीजिए, और फिर आप हरी मिर्ची भी काट लीजिए। अच्छा, ये भी हरी मिर्ची भी जब आप काटेंगे इस पेस्ट के लिए जो हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आप जितना बारीक काटेंगे उतना बहुत अच्छा है। अच्छा, मिर्ची भी बारीक काटने का एक तरीका है, आप मिर्ची को बीच में से स्लिट करके और उसको फर्दर इनटू और 4 कर दीजिए, और फिर उसको बारीक आप करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली और बढ़िया बारीक मिर्ची मिल जाएगी। इसे आप कर दीजिए साइड में। अब आलू को मैश कीजिए, जो ये गर्म ही आलू है। अगर गरम आलू को आप मैश करेंगे तो बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी आएगी, और ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा आपके ज़रा भी मोटे आलू के टुकड़े ना रहे। आप जितना हो सके उसे फाइन मैश कर दीजिए। जितना आप अच्छा मैश करेंगे उतना ही बढ़िया आपका ब्रेड से पूरी बनेगा। ये लीजिए, हमारा ये मैश किया हुआ आलू तैयार है। इसमें आप करीबन 1.5 टेबल स्पून कड़ी पत्ता, ये अपना सॉरी कोथमीर, सेंधा नमक, सादा नमक, अपना आप चाहे तो हींग डाल सकते हैं, हरी मिर्च और थोड़ा नींबू का रस, या आप डाल सकते हैं इसमें अमचूर पाउडर, जैसा आप जो चाहे खटास के लिए। इसे अच्छे से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इस तरीके से मिक्स कीजिए कि सभी तरीके का मसाला अंदर जो भी डाला है वो सब मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसमें, अगर आपका चॉइस है, तो आप जीरा मसाला भी डाल सकते हैं। अब आप अपने ब्रेड्स को स्लाइस जब कर दीजिए, मैं ज़्यादातर प्रेफर ये करूँगी ट्रायंगल की जगह आप स्ट्राइप्स काटें। स्ट्राइप्स काटने से जब हम कढ़ाई में तलते हैं तो स्ट्राइप्स वाला जो होता है, जो अपना रेक्टेंगुलर होता है, वो इजी होता है तलने में ट्रायंगल के करता। अब बाजू में आप एक प्लेट में आप इक्वल प्रोपोर्शन में 2 टेबल स्पून ऑफ मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और चुटकी भर नमक, ये दोनों मिलाकर, तीनों सामग्री को मिलाकर आप इसको पानी डालकर इसका एक फाइन पेस्ट, थोड़ा पतला पेस्ट बना लीजिए। इतना पतला होना चाहिए कि उस जॉइन ना हो। आपको थोड़ा थोड़ा जैसे आप तैयार करेंगे उसको आपको हिलाते रहना पड़ेगा। अब जब तक आपने ये पेस्ट बना लिया है, अब अपने ब्रेड के स्लाइस के ऊपर आप अपना ये सारा जो आलू का मसाला है वो इवनली स्प्रेड कर दीजिए विथ टेंडर एंड सॉफ्ट हैंड्स, और ज़्यादा वो मत कीजिए कि वो टूट जाए। इस तरीके से आपके जितने भी मसाला है और आपके जितने भी ब्रेड्स हैं, आप उस तरीके से उसे तैयार कर लीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ये जो बैटर जो हमने कॉर्नफ्लावर और मैदे का तैयार किया है, आप ध्यान रखिएगा उसे पूरा नहीं लपेटना है, सिर्फ ओनली ऑन द टॉप एंड द साइड्स, दैट्स इट। बॉटम में आपको ये नहीं लगाना है। जैसे ही अगर आप बॉटम में लगाएंगे तो एक थोड़ा हार्डनेस आ जाएगा, दैट विल गिव अ कॉर्नफ्लावर का टेस्ट विच यू डोंट वॉन्ट ऑन द बेस। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप एक और आपको बताऊँगी। जब आपने ये पूरा बैटर के साथ आपने अपने ब्रेड के ऊपर लगा दिया है, रेफ्रिजरेट इट फॉर 15 मिनट्स। इससे आपका जो ब्रेड और आलू और जो कॉर्नफ्लावर का पेस्ट है वो बहुत ईजिली एक दूसरे से स्टिक हो जाएगा, और जब आप फ्राई करेंगे आपके लिए बहुत ईजी होगा। ये दिया मैंने आपको सेकेंड टिप। फिर अब इस तरीके से आप अपना फ्रिज से निकाल के आप अपना गर्म तेल, इट इज़ मस्ट कि आप गर्म तेल पहले डालिए और फिर उसको छोड़िएगा मत, आप तेल को थोड़ा झाड़ते रहिए ऊपर। अच्छा, सेकेंड टिप, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट द थर्ड टिप विच आई एम टेलिंग यू। जब आप ये ब्रेड तल रहे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेड के इस रोल को आप पलट के भी फ्राई कीजिए।
क्योंकि आप वन साइड अगर पलट कर करेंगे तो समझ लीजिए आपका ये बर्न हो जाएगा अदर वे में। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप फ्लिप कीजिए अपने ब्रेड के रोल को। इस तरीके से आप अपने ब्रेड के सभी चीज़ों को फ्राई कर लीजिए। अगर आप इसको फ्लिप करते हैं तो आपका अपर साइड से भी प्रॉपरली फ्राई हो जाएगा। अगर आप खाली नीचे ही रखकर फ्राई करेंगे तो टेंडेंसी है कि आपका नीचे से जो ब्रेड का बेस है वो डेफिनेटली जल जाएगा, ओवरबर्न हो जाएगा। सो इस टिप को आप ज़रूर याद रखिएगा और ब्रेड के रोल को आप डेफिनेटली पलट के भी फ्राई कीजिएगा। सी जैसा मेरा ये वाला बर्न हो चुका था, तो दैट्स वाई जस्ट टू शो आपको दिखाने के लिए मैंने ये चीज़ करके दिखाई है। अब जैसे ही आपके ये स्लाइस फ्राई हो जाते हैं आप इसको इस स्लाइस में काट दीजिए ताकि वो इजी रहता है हमें खाने के लिए। अच्छा, नाउ लेट्स डू द ड्रेसिंग। यू आर रेडी एंड यू आर डन विथ योर ब्रेड रोल। द नाउ कम्स द फाइनल स्टेज, जिसके लिए हमें चाहिए मीठी चटनी, हरी चटनी, प्याज, थोड़ा कोथमीर, चने दाल और सेव। अगर आपके पास अनार हो तो अनार भी डाल सकते हैं। अब वो रोल के ऊपर आप हरी चटनी स्प्रेड कीजिए, अभी इमली की और अपनी खजूर की चटनी जो मैंने ये घर पे ही बनाई है वो आप स्प्रेड कीजिए। अब अनियंस आपके हिसाब से जितना आपको डालना है आप डालिए, और चने की दाल जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है जो सेव पूरी में भी डलती है, और उसके ऊपर अपनी जो बारीक बेसन की भुजी है वो डाल के आप कोथमीर स्प्रिंकल कीजिए। एंड नाउ आपका स्वादिष्ट मस्त ब्रेड से पूरी इज़ रेडी। एंजॉय। पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।